Hello friends, welcome to my channel Lawman. Today we are going to study the weekly current affairs. तो आज से हम weekly current affairs चालू कर रहे हैं. मैं daily तो current affairs नहीं ला सकता हूँ, लेकिन weekly लाऊंगा. जो भी most important topics होंगे उनको मैं choose करके आपके लिए एक weekly current affairs बनाऊंगा, और जो कि बहुत ही short जो है इसका duration रहेगा. तो ज़्यादा time ना लेंगे और सारे टॉपिक्स को दो दो लाइंस या थ्री थ्री लाइंस में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा. अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ध्यान देते हैं, और अगर कुछ बातें मिस रह गई होंगी तो इससे कंप्लीट हो जाएंगी. चलिए शुरू करते हैं. तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं. तो ये 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच की जो है न्यूज़ है, इसमें जो टॉपिक्स हैं तो एक एक करके हम सारे करेंगे. तो पहला टॉपिक है एक्सरसाइज काकाडू. तो एक्सरसाइज काकाडू, यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा बीच में. एक्सरसाइज काकाडू, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्सरसाइज किस देश में होती है. तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया में, ये होती है ऑस्ट्रेलिया में. इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. तो ये हो गया एक्सरसाइज काकाडू. बाकी इस तरह की और कितनी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें मल्टीलेटरल कंपनी पार्टिसिपेट करती हैं, कमेंट करिए. ठीक है, सेकंड टॉपिक है. तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया. सेकेंड टॉपिक है डार्ट. तो डार्ट क्या है? ये एक नासा का मिशन है. ठीक है, नासा का मिशन है. इसमें क्या होगा कि हम कोलाइड करेंगे. ये डार्ट जो है, जो बनाया है, तो ये जाके कोलाइड करेगी एस्ट्रॉयड के साथ. एस्ट्रॉयड का नाम क्या है? एस्ट्रॉयड का नाम है डाइमॉर्फस नाम है एस्ट्रॉयड का. ये डाइमॉर्फस एक बड़े एस्ट्रॉयड डीडी मॉस के चक्कर लगाता है. तो पहली बार इसको टकरा के देखा जाएगा, और इससे ये पता चल पाएगा कि अगर मान लो कभी अर्थ पे कोई खतरा आएगा तो क्या ये डार्ट वर्क करेगा कि नहीं. तो नासा इस तरह की चीज़ें किया करता है जिससे हमारी अर्थ सेफ रहे. तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है. तो ये देख लीजिएगा डार्ट मिशन भी हो गया. ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, फिर है एक ऑपरेशन मेघ चक्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ. तो चलिए, तो ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? ऑपरेशन मेघ चक्र है आपका सीबीआई ने लॉन्च किया है. क्वेश्चन आ सकता है किस इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया? सीबीआई ने लॉन्च किया है. क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि जो अब्यूज जो होता है, चाइल्ड सेक्सुअल हरेसमेंट, तो ये उस पर वर्क करेगा. ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया. तो ऑपरेशन मेघ चक्र हो गया, तो ये भी कंप्लीट हुआ ऑपरेशन मेघ चक्र. व्हाइट फ्लाई बाद में देखेंगे, एक देख लेते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020. तो
दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? आशा पारेख जी को दिया गया है। ये फॉर्मर एक्टर हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी, कटी पतंग वगैरह में इन्होंने काम किया। तो ये कौन देख, किसने इनको ये दिया है? प्रेसिडेंट ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट टाइम दादा फाल्के अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ? 1969 में। फर्स्ट रिसिपिएंट थी देविका रानी, देविका रानी, देविका रानी को सबसे पहले दिया गया। इसके अलावा और किसको किसको दिया जा चुका है हालिया वर्षों में? तो 2017 में दिया गया ये विनोद खन्ना को, विनोद खन्ना जी को, ये जो है आफ्टर द डेथ ऑफ विनोद खन्ना दिया गया। ठीक है, 2018 में किसे दिया गया? 2018 में दिया गया ये आपका अमिताभ बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, 2019 में किसको गया? द ग्रेट रजनीकांत को, रजनीकांत जी को। ठीक है, और अब 2020 में आशा पारेख जी को। तो जान लेते हैं दादा साहब कौन थे जो जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के जी कौन थे? तो दादा साहब फाल्के, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है इनको। ठीक है, इन्होंने इंडिया की पहली फिल्म हरीश चंद्र रिलीज की थी, हरीश चंद्र रिलीज की थी, मतलब इन्होंने ही हरीश चंद्र मूवी बनाई थी। और ये मतलब इस फिल्म में साउंड नहीं था, मतलब वॉइस नहीं थी। तो आप बताएंगे, चलिए आप ना बताएं, मैं ही बता देता हूँ। और पहली बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, तो ये हो गए दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। और दादा साहब फाल्के आखिर इनके नाम पे क्यों दिया जाता है? फर्स्ट फिल्म बनाई थी, तो ये दादा साहब फाल्के भी कंप्लीट हो गया अवार्ड। इसके अलावा है वाइट फ्लाई, तो वाइट फ्लाई राजस्थान में, राजस्थान में रवि क्रॉफ को खराब कर रही हैं, खासकर कॉटन को। तो ये क्या करती हैं, लीव्स पर 1 फीट छोड़ती हैं जो ब्लैक फंगस कर देता है, जिससे फसल को बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई से कभी भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतने में ही आप लोग कर लेंगे, ये पूरा भरोसा है। नीलकरंजी फ्लावर्स कौन से हैं? तो नील कुरिंजी फ्लावर्स, कुरिंजी फ्लावर्स, फ्लावर्स, तो नील कुरिंजी फ्लावर्स, नील कुरिंजी फ्लावर्स आपके कर्नाटका में पाए गए हैं। ये 12 साल में एक बार निकलते हैं, 12 ईयर्स में वन टाइम निकलते हैं। इसके अलावा कर्नाटका के अलावा ये तमिलनाडु और केरला में भी पाए जाते हैं, केरला में भी पाए जाते हैं, और इंडेमिक हैं वेस्टर्न घाट, मतलब इंडेमिक मतलब यहीं की प्रजाति है, मतलब वेस्टर्न घाट की, कोई विदेशी प्रजाति नहीं है। ठीक है, तो ये केवल वेस्टर्न घाट
में पाए जाते हैं। तो ये हो गया नीलकुरंजी फ्लावर्स, तो ये भी सफिशियंट है, किसी भी अगर एग्जाम में आता है तो इतने में आप कर लोगे। तो नीलकुरंजी फ्लावर्स हो गए। एव घास 100 LL, एव घास 100 LL, तो ये एक फ्यूल बनाया गया है फॉर द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये इंडिजीनियस है, मतलब इंडियन है, ठीक है, इंडियन है ये, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, बथुकामा फेस्टिवल, ये भी न्यूज रहा इस हफ्ते, बथुकामा फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में मनाया जाता है, ठीक है। ये एक तरह का फ्लावर फेस्टिवल है। कौन मनाता है? वुमेन्स खास कर से, ठीक है। तो ये हो गया बथुकामा फेस्टिवल। अब देख लेते हैं अरावलीज भी न्यूज में रही। अरावलीज हैं ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हाईएस्ट माउंटेन क्या है? ये तो माउंटेन है ही अरावलीज। हाईएस्ट पीक आपकी है गुरु शिखर, ठीक है। तो ये हो गया अरावलीज के बारे में, तो अरावलीज भी हो गया। अब देख लेते हैं यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम की चीज निकाली, आखिर ये चीज क्या है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो ये क्या चीज है भला? तो यूजीसी ने, ठीक है, तो यूजीसी संस्था है जो हायर एजुकेशन को देखती है इंडिया में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी कहते हैं। तो इसने निकाला है कि कोई भी व्यक्ति जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, वो एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पढ़ा सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 4 साल के लिए, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी 10% वैकेंसी निकालेगी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए, तो अच्छी बात है, एक्सपर्ट्स आएंगे तो वो अच्छा नॉलेज देंगे, ठीक है। तो यूजीसी ने एक ये नया काम किया है, ये सवाल नेट वगैरह में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, हर तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड होना चाहिए। अडल्ट्री, ये हो गया अडल्ट्री, तो अडल्ट्री थोड़ा कानून से रिलेटेड आ गया है, तो ये न्यूज़ में रहा इस हफ्ते, तो देख लेते हैं। एक केस हुआ था जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, तो इसमें अडल्ट्री जो थी वो स्ट्रक डाउन कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो
जो हमारा सेक्शन 498 था वो ख़त्म हो गया था, सॉरी 497 ख़त्म हो गया था। अडल्ट्री भी हो गया। अब देख लेते हैं यूपा क्या है। ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कब आया? ये आया आपका 1967 में। अभी इसमें अमेंडमेंट हो गई 2019 में, अमेंडमेंट हो गई 2019 में। इसमें क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है। और अभी किसको किया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। तो इन पे आरोप हैं कि ये इस्लामीकरण करना चाहते हैं इंडिया का। तो ये हो गया आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। एक है सीता नवल केव, अब ये खोजी गई है सीता नवल केव। तो ये कहाँ खोजी गई है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में इस खोजी गई है। ये हैं जैन केव्स फॉर, ये जैन केव हैं संतों के लिए, ठीक है। तो ये एक बन सकता है जो है कि सीता नवल केव क्या है। तो ये जैन केव्स है फॉर सेंट्स। और इसमें पेंटिंग जो अंदर हुई है वो है फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग। तो किसी दिन फ्रेस्को पेंटिंग पे पूरा एक क्लास लूँगा। फ्रेस्को पेंटिंग एक तरीके से जो वेट पेंटिंग होती है, जब दीवारें पहले वेट कर ली जाती हैं, मतलब गीली कर ली जाती हैं, उसके बाद उस पर पेंटिंग की जाती है। आपने मूवी में भी देखा होगा, मूवी थी लव आजकल, जहाँ पे दीपिका पादुकोण ऊपर पेंटिंग कर रही होती हैं और नीचे सैफ अली खान उनसे मिलने आते हैं। तो वो उतने समय, वो अगर सीन आपको याद हो तो उसमें फ्रेस्को पेंटिंग दिखाई गई है। चलिए ये तो हो गया सीता नवल, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया था। अब शहीद भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। शहीद भगत सिंह वन ऑफ माय फेवरेट लीडर। तो शहीद जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है जो, उसका नाम अब शहीद भगत सिंह कर दिया गया है, ठीक है। तो आप शहीद भगत सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है। इन्होंने स्टडी अपनी की नेशनल कॉलेज लाहौर, ठीक है। 1926 में नौजवान सभा बनाई। और 1929 में इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका। बॉम्ब इसलिए फेंका, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो बस जो है, जो हम लोगों को वो अंग्रेज़ समझ रहे थे कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो केवल सुनाना चाहते थे बहरों को। तो इसको कहते हैं डीप, हियर द डीप, ठीक है। तो ये इसमें भगत सिंह और
बट केशवर दत्त थे दो लोग, इन लोगों ने बॉम्ब फेंका था, ठीक है, और उनके विचार सीधे थे कि हमें बहरों को अपनी बात सुनानी है, हियर द डीफ, ठीक है। तो ये शहीद भगत सिंह जी के ऊपर है। बाकी अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसको बोलते हैं VSORDS, मतलब V से वेरी, SHO से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि ये मिसाइल कोई भी मैन पैड लेके, तो मैन पैड क्या होता है, मैन पैड कुछ इस तरह का होता है, इसको अपने हाथों में भी ले सकते हैं आप, और उसमें मिसाइल रख के आप छोड़ सकते हैं, इसको अपने कंधे में रख के जो है, इसको अपने कंधे पे रख के इसको आप छोड़ सकते हैं इस मिसाइल को। तो ये हो गया आपका वी सॉर्ड, ये इंडिया ने खुद बनाया है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने बनाया है, ये DRDO ने बनाया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये DRDO ने बनाया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें DRDO ने बनाया है, ठीक है। और बाकी एक है कार्ल गुस्ताफ M4, तो इसमें क्या है, ये स्वीडन के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। इसमें M3 और M2 जो है हमारे पास 1976 से हैं, जो कारगिल युद्ध में यूज़ भी हुए बहुत। अब इसका अगला वर्जन M4 स्वीडन इंडिया में ही इसको मैन्युफैक्चर करेगा, जो कि बड़ी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास रही इतनी, वीकली करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे, और ये फर्स्ट टाइम थी जब मैंने वीकली करंट अफेयर्स ली, तो आने वाले समय में इससे बेहतर और इससे अच्छी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टिल देन स्टे ट्यून्ड।